वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों. बच्चों हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, उसके अंदर मैंने जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको सिखाया था, एक तो सिखाया था गुडविल का, और उसकी हमारी कोई भी कंडीशन नहीं थी कि उसके अंदर हम कहें कि वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट, डोंट वॉन्ट, ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी. तो मैंने आपको बताया था, एक तो हमने स्टार्ट किए बच्चे गुडविल. गुडविल की हमारे पास एंट्री, गुडविल अगर गिवन है तो इसकी एंट्री करने से पहले मेरे पास कोई कंडीशन नहीं है. इसकी हमेशा आपके पास कौन सी एंट्री होगी? एडजस्टमेंट एंट्री, ऑलवेज हमेशा एडजस्टमेंट एंट्री होगी बच्चे, ठीक है. लेकिन उसके बाद अगर आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, मैं सारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का नाम नहीं लिख रही, सारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को एक ही नाम दे रही हूँ, जनरल रिजर्व. इट विल बी अप्लाइड ऑन ऑल अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. लेकिन इसकी एंट्री करने से पहले आपको सोचना है, वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट, डोंट वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट. अगर वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट कहता है तो डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री कर दो, डोंट वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट कहता है तो एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है. तो जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट गिवन है उनकी एडजस्टमेंट एंट्री. लेकिन अगर आपको कंडीशन नहीं की गिवन तो क्या करेंगे? वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट मानेंगे, ठीक है. उसके बाद बच्चे हमारे पास, मैंने उस दिन सैटरडे को आपको एक टॉपिक कराया था, रिवॉल्यूशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज. असेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यूएशन करना मैंने आपको बताया था कि हाउ टू वैल्यू, कैसे वैल्यूएशन किया जाता है असेट्स और लायबिलिटीज का, ठीक है. तो असेट्स और लायबिलिटीज के वैल्यूएशन में हमें प्रॉफिट और लॉस जो भी निकला है, दैट मीन्स प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन, प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन. लेकिन ये आपको कैलकुलेट करना पड़ता है कि असेट कितने से इंक्रीज हुई, असेट कितने से डिक्रीज हुई. लेकिन जब ये आपका रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस जो भी निकल के आया है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले आपके पास कंडीशन होगी, वॉन्ट टू रिकॉर्ड एट रिवाइज वैल्यू, डोंट वॉन्ट टू रिकॉर्ड एट रिवाइज वैल्यू. रिवाइज वैल्यू मतलब जो चेंज होके वैल्यूज आती हैं उन्हें रिवाइज वैल्यू कहते हैं, ठीक है. Want to record at revised value, that means want to distribute. Don't want to record at revised value, that means don't want to distribute. तो उसके लिए आपको adjustment entry करनी पड़ेगी. अगर condition आ रही है don't want, want to record, that means want to distribute. Don't want to record, that means don't want to distribute. ठीक है, तो उस केस में आपको इस profit की adjustment entry करनी पड़ेगी. लेकिन अगर condition clear नहीं है तो don't want वाली माननी है. इसमें कंडीशन क्लियर नहीं है तो वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, इसमें कंडीशन क्लियर नहीं है तो डोंट वांट, एडजस्टमेंट एंट्री वाली कंडीशन माननी है, ठीक है. उस दिन बच्चे हमने एक इलस्ट्रेशन 40 की थी, उसके अंदर जो रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट निकला था उसकी कंडीशन आ रही थी वांट टू रिकॉर्ड एट रिवाइज वैल्यू, तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री की थी. आज देखना इलस्ट्रेशन कह रहा है वही की वही यूज़ करो, लेकिन कंडीशन चेंज कर रहा है, तो देखो क्या चीज़ होती है उसके अंदर. हम इलस्ट्रेशन 41 स्टार्ट कर रहे हैं, देखना बच्चे एक बार कि इसके अंदर क्या चीज़ है. आपके पास कह रहा है देखो कंटिन्यू इलस्ट्रेशन 40, सेम पीछे वाली इलस्ट्रेशन कंटिन्यू करो, मतलब पूरा का पूरा सम, ये पूरा 40 इलस्ट्रेशन, ये जितनी भी बैलेंस शीट है, ये यहाँ तक जितनी भी एडजस्टमेंट है, लेकिन सिर्फ ये कंडीशन चेंज हो रही है कि वॉन्ट टू रिकॉर्ड और ये वाली, ये चेंज हो रही है सिर्फ इतना 41 में. तो कह रहा है कंटिन्यू इलस्ट्रेशन 40, द पार्टनर्स एग्रीड दैट द रिवाइज वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी आर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स. असेट्स और लायबिलिटीज़ की रिवाइज वैल्यू को बुक में रिकॉर्ड नहीं करना, दैट मीन्स डोंट वॉन्ट टू रिकॉर्ड असेट्स एंड लायबिलिटीज एट रिवाइज वैल्यू. रिवाइज वैल्यू मतलब जो चेंज होके वैल्यू आई हैं उस पे ये, उन वैल्यूज पे ये इनको रिकॉर्ड नहीं करना चाहते बुक्स में. दैट मीन्स जो रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट निकलेगा, डोंट वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट, आपने उसके बांटने की एंट्री नहीं करनी, ठीक है. उसके बाद आपको पता है एंड दे ऑल्सो डोंट वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व को भी नहीं बांटना चाहते. तो रिवॉल्यूशन के प्रॉफिट की भी नॉट वाली कंडीशन है, इसकी भी नॉट वाली कंडीशन है, तो दोनों की ही एडजस्टमेंट एंट्री होगी.
यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड अ चेंज बाय अ सिंगल जर्नल एंट्री. कह रहे एक सिंगल एंट्री में सम करो विद नेसेसरी नोट्स. ऑल्सो प्रिपेयर द रिवाइज बैलेंस शीट. और क्या बनाओ? रिवाइज बैलेंस शीट. सिर्फ बैलेंस शीट बनाने को कहा है और एक एंट्री करने को बोला है. तो एक बार देखना बच्चे ध्यान से क्या चीज़ है. आपकी जो इलस्ट्रेशन 40 है उसके अंदर क्या है एक बार आप देख लो. सेम पिछली जो मैंने करा चुकी हूँ लेकिन कंडीशन चेंज से. ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:3:2. देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 वॉज एज फॉलोज. कैश एट बैंक, डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग, सन्ड्री क्रेडिटर. जनरल रिजर्व यहाँ पड़ा हुआ क्या शो कर रहा है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. ठीक है, क्योंकि अगर ये बढ़ चुका होता तो इसका बैलेंस खत्म हो चुका होता. ये कैपिटल के बैलेंस हैं एग्रीमेंट चेंज होने से पहले वाले. नेक्स्ट देखना. पार्टनर डिसाइडेड दैट विद अफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे वुड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2. 1 अप्रैल से ये रेशियो को इसमें बांटेंगे. इट वॉज एग्रीड दैट स्टॉक बी वैल्यूड एट 110. स्टॉक का वैल्यूशन कितना हुआ है? 110. चेक करो पहले स्टॉक कितना था? 120. तो असेट की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज. असेट की वैल्यू डिक्रीज होना क्या होता है? लॉस. मशीनरी इज़ टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%. मशीनरी को कितने से कम करना है? 10%. तो चेक करो आपके पास मशीनरी है 1,59,000. 1,59,000 का 10% 15,900 इतने से डिक्रीज करना है. उसके बाद है ए प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स इज़ टू बी मेड ऑन डेटर्स. डेटर्स पर आपको 5% का प्रोविज़न बनाना है. आपको ध्यान होगा 11th क्लास में मैंने कहा था जिन डेटर के बैड होने के चांसेस होते हैं उनके लिए प्रोविज़न बनता है. ठीक है, तो प्रोविज़न बनाना, प्रोविज़न जो हम बनाते हैं वो डेटर पे बनाते हैं और ये डेटर में से लेस होता है. मतलब ये मेरे डेटर को डिक्रीज़ करता है अगर हम प्रोविज़न बनाते हैं. तो ये भी लॉस है, ये रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा. बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%. बिल्डिंग कितने से बढ़ गई है? 20% से बढ़ गई है. एप्रिशिएट दैट मीन्स बढ़ गई 20%. तो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ना मेरे लिए प्रॉफिट है. प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आते हैं. ए लाइबिलिटी फॉर 2500 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर. एक लाइबिलिटी जो 2500 की इस क्रेडिटर में इंक्लूड है इज़ नॉट लाइकली टू अराइज. अब वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे तो आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है. लाइबिलिटी डिक्रीज़ होना आपके लिए क्या है? प्रॉफिट. आपको कम पैसे देने पड़ेंगे, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगा. ठीक है, लेकिन कंडीशन ये वाली नहीं पढ़नी, कंडीशन 41 वाली पढ़नी है आपने. कह रहा है द पार्टनर्स एग्रीड दैट रिवाइज वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटी आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स. दैट मीन्स पार्टनर्स डोंट वॉन्ट टू रिकॉर्ड असेट्स एंड लाइबिलिटीज एट रिवाइज वैल्यू. रिवाइज वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करना चाहते. दैट मीन्स डोंट वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट. तो इस बार आपका जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस निकलेगा उसके आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है. एंड जो जनरल रिजर्व गिवन है आपके पास बैलेंस शीट में जो अभी हमने देखा था, दे डोंट वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व को भी ये बांटना नहीं चाहते. तो आपको दोनों की ही एडजस्टमेंट एंट्री करनी है. तो देखना और एक बैलेंस शीट बनाने को कह रहा है. एक बार ध्यान से देखो कैसे करते हैं हम इसे बोर्ड पे. सुनो ध्यान से बच्चे, आपके पास सेम इलास्ट्रेशन मैंने आपको कराई थी, उस दिन भी कराई थी. ठीक है, सेम इलास्ट्रेशन थी बच्चे. सेम इलास्ट्रेशन मैंने आपको कराई थी लेकिन उसके अंदर कंडीशन आ रही थी वॉन्ट टू रिकॉर्ड एट रिवाइज वैल्यू. मतलब जो असेट्स और लाइबिलिटीज में चेंजेस आ रहे हैं वो इसे रिकॉर्ड करना चाहते हैं. ठीक है,
लेकिन अगर बच्चे कंडीशन आती है ना, पार्टनर्स डोंट वांट टू रिकॉर्ड एट रिवाइज वैल्यू, कि वो रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, तो उस टाइम आपको जो रिवेल्यूशन का प्रॉफिट निकालना है, आपको ध्यान होगा उस दिन मैंने रिवेल्यूशन का प्रॉफिट निकाला था, जो रिवेल्यूशन का प्रॉफिट के लिए एक लॉस की एंट्री की थी, रिवेल्यूशन को डेबिट किया था और असेट को डिक्रीज वगैरह भी किया था। एक एंट्री में मैंने रिवेल्यूशन को क्रेडिट किया था, फिर लॉस और प्रॉफिट देख के हमने डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री की थी। लेकिन एंट्री जो रिवेल्यूशन की होती है वो उसी केस में होती है जब वांट टू रिकॉर्ड एट रिवाइज वैल्यू, कि जब वो असेट्स और लायबिलिटीज़ में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तब आपने वो जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था रिकॉर्ड करना, कि रिवेल्यूशन डेबिट जो एंट्रीज बताई थी रिवेल्यूशन की, वो उसी केस में होंगी जब वो कह रहा है वांट टू रिकॉर्ड एट रिवाइज वैल्यू। लेकिन आपको पता है इस समय इलस्ट्रेशन मेरी सेम है, लेकिन इस समय आपको कह रहा है डोंट वांट टू रिकॉर्ड एट रिवाइज वैल्यू, तो आपने रिवेल्यूशन का प्रॉफिट एंट्री करके नहीं निकालना, क्योंकि वो तो रिकॉर्ड करना ही नहीं चाहता चेंजेस को। तो आप कहोगे फिर रिवेल्यूशन का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे मैम, वर्किंग नोट में निकालना है। अगर कंडीशन आ रही है डोंट वांट टू रिकॉर्ड एट रिवाइज वैल्यू, असेट्स और लायबिलिटीज़ की रिवाइज वैल्यू को बुक में रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, तो उस केस में आपको जो रिवेल्यूशन का प्रॉफिट है, वो जो मैंने उस दिन तीन एंट्री लास्ट लेक्चर में बताई थी करके, रिवेल्यूशन टू स्टॉक, वो उसी केस में होती है जब वांट टू रिकॉर्ड एट रिवाइज वैल्यू आता है, दैट मीन्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट वाली कंडीशन होती है। अब आपके पास आ रही है डोंट वांट टू रिकॉर्ड एट रिवाइज वैल्यू, रिवाइज वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, तो मुझे अपनी एंट्री में चेंजेस रिकॉर्ड नहीं करने, असेट लाइबिलिटीज को डिक्रीज इंक्रीज नहीं करना, तो इस केस में आपको पता है एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो आप कहोगे रिवेल्यूशन का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, वर्किंग नोट में निकालेंगे। अगर डोंट वांट टू रिकॉर्ड एट रिवाइज वैल्यू वाली कंडीशन है, तो उस केस में रिवेल्यूशन का प्रॉफिट की एडजस्टमेंट एंट्री होनी है, और एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए रिवेल्यूशन का प्रॉफिट कहाँ से लाएंगे, वर्किंग नोट में निकालेंगे। तो देखना वर्किंग नोट में रिवेल्यूशन का प्रॉफिट कैसे निकलता है विदाउट एंट्री, ठीक है। देखना वर्किंग नोट से सम स्टार्ट होगा मेरा, वर्किंग नोट्स, ठीक है। उस दिन मैंने रिवेल्यूशन के प्रॉफिट की बच्चे तीन एंट्री की थी, लेकिन आज रिवेल्यूशन का प्रॉफिट मैं वर्किंग नोट में निकालूंगी, ठीक है। रिवेल्यूशन का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, वर्किंग नोट में निकालेंगे। तो देखना एक बड़ी ध्यान से, आपके पास फर्स्ट अपनी बुक आगे खोल के बैठो, रिवेल्यूशन की जो लाइनें लिखी हुई हैं, जो वैल्यूशन हुआ है उसके लिए क्या क्या लिखा हुआ था। स्टॉक इज वैल्यूड इज 110, स्टॉक का वैल्यूशन कितना हुआ है 110, अंदर चेक करो स्टॉक कितने का है 120, अप वैल्यूशन कितना हुआ है 110, तो बताओ स्टॉक क्या हो रहा है डिक्रीज, स्टॉक की वैल्यू कम होना ये मेरे लिए लॉस है, ठीक है। तो अब मुझे एंट्री नहीं करनी, मैं कहूँ रिवेल्यूशन टू स्टॉक, नो, वर्किंग नोट में करना है। तो आप कैसे लिखोगे ध्यान से देखना, लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक, तो बताओ कितने का लॉस हो रहा है 10, ये लिख दिया। जैसे उस दिन बच्चे हमने एंट्री की थी ना, एक लॉस की थी, एक प्रॉफिट की थी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन की थी, तो पहले लॉस और प्रॉफिट किन असेट से वैल्यूएशन से लॉस हो रहा है, किससे प्रॉफिट हो रहा है, वो अलग अलग कर लो वर्किंग नोट में, ठीक है। नेक्स्ट देखना, मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड, डेप्रिसिएशन से असेट की वैल्यू कम होती है, तो मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, मशीनरी की वैल्यू को कितने से कम करना है 10%, अंदर चेक करो बैलेंस शीट में मेरे पास मशीनरी कितनी गिवन है, मशीनरी मेरे पास बच्चे गिवन है 1,59,000, तो 1,59,000 का 10%, 15,900 से डेप्रिशिएट करना है, मतलब असेट को कम करना है, तो असेट की वैल्यू कम होना मेरे लिए लॉस है, एंड लॉस रिवेल्यूशन के डेबिट में आता है, लेकिन मुझे रिवेल्यूशन तो करना ही नहीं है क्योंकि डोंट वांट वाली कंडीशन है, तो ये मेरे लिए लॉस है। तो वर्किंग नोट में ऐसे लिखना है, लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मशीनरी 15,900। उसके बाद बुक में देखो थर्ड वैल्यूएशन वाली लाइन क्या लिखी हुई है, ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी मेड, आपको एक प्रोविजन बनाने हैं बच्चे। जब भी मैं कोई इलस्ट्रेशन समझा रही हूँ, बुक आगे खोल के बैठो, क्योंकि मैंने पहले आपको
स्टार्टिंग में दिखा दिया है लेकिन बार बार बीच में नहीं दिखा सकती, आप आगे खोल के बैठो। आपको पता है कि जो डेटर होते हैं उनके बैड होने के चांसेस होते हैं, तो हम उनके लिए प्रोविज़न बना लेते हैं। 11th में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो वो कह रहा है ए प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, जिन डेटर के बैड होने के चांसेस हैं उनके लिए एक प्रोविज़न इज टू बी मेड, बनाना है 5% ऑन डेटर। डेटर पे कितने परसेंट बनाना है? 5%। अंदर अपनी बैलेंस शीट में चेक करो, ओल्ड बैलेंस शीट में डेटर आपके पास गिवन है 44, इसके ऊपर 5% प्रोविजन बनाना है। $2200 का प्रोविजन बनाना है। और आपको पता है प्रोविजन कैसे करते हैं? डेटर लिख के मैं बैलेंस शीट में अब ऐसे लिखूंगी प्रोविजन, कितने डेटर बैड होने के चांसेस हैं। तो ये जो प्रोविजन है ये मेरे डेटर को डिक्रीज करता है, मतलब मेरी असेट को डिक्रीज करता है। तो ये भी मेरे लिए प्रोविजन बनाना भी मेरे लिए क्या होगा? लॉस, ठीक है, ठीक है, लॉस होगा क्योंकि ये मेरी असेट को डिक्रीज कर रहा है। क्योंकि हम असेट्स और लायबिलिटीज का क्या कर रहे हैं? वैल्यूएशन। जो चीज़ असेट की वैल्यू बढ़ा रही है वो मेरे लिए प्रॉफिट है, जो चीज़ असेट की वैल्यू को कम कर रही है वो मेरे लिए लॉस है, ठीक है। तो ये भी लॉस, लेकिन लॉस ड्यू टू मेकिंग आ रहे हैं, मेकिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। $2200 का प्रोविजन बनाया हमने, ठीक है। आपको ध्यान होगा उस दिन जब मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था हम एंट्री करते थे रिवॉल्यूशन टू स्टॉक टू मशीनरी टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, लेकिन वो एंट्री वाली सिचुएशन तभी करनी है जब वांट टू रिकॉर्ड एट रिवाइज वैल्यू है। डोंट वांट टू रिकॉर्ड एट रिवाइज वैल्यू की कंडीशन में आपने रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट और लॉस ऐसे निकालना है जैसे वर्किंग नोट में, जैसे इस टाइम मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। आगे बढ़ना, नेक्स्ट फोर्थ क्या दी हुई है? बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग कितने से बढ़ गई है? 20% से बढ़ गई है। तो बताओ बिल्डिंग की वैल्यू, अंदर मेरे पास बिल्डिंग है 2 लाख की, ठीक है। तो बिल्डिंग की 2 लाख की है, 20% से इंक्रीज हो गई है। तो बताओ बिल्डिंग 40,000 से इंक्रीज हो गई है, तो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ना मेरे लिए क्या है? प्रॉफिट है, ठीक है। तो इंस्टेंट प्रॉफिट, जैसे उस दिन एक लॉस की एंट्री की थी एक प्रॉफिट की एंट्री की थी, इनको भी दोनों को अलग अलग लिया और प्रॉफिट हो रहा है, हमें वैल्यूएशन करने में प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट ड्यू टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू क्या होने पर इंक्रीज, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 40। प्रॉफिट ड्यू टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू क्या होने पर इंक्रीज होने पर बचे, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट पढ़ती हूँ मैं, ए लाइबिलिटी ऑफ 2500, कितने रुपए की लाइबिलिटी? 2500 की, इंक्लूडेड इन क्रेडिटर, जो बैलेंस शीट में क्रेडिटर है उसके अंदर 2500 की कोई लाइबिलिटी है, इज नॉट लाइकली टू अराइज, ये लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी, मतलब ये 2500 रुपए आपको क्रेडिटर को नहीं देने पड़ेंगे। दैट मीन्स इस टाइम बिजनेस की लाइबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज। बिजनेस की लाइबिलिटी डिक्रीज होना, बच्चे मुझे किसी को 2500 कम देने पड़े तो ये मेरे लिए प्रॉफिट ही तो है, ठीक है। तो इस टाइम वैल्यूएशन करने से बच्चे क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। लायबिलिटी डिक्रीज होना भी मेरे लिए प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स, हाँ बच्चे, जैसे उस दिन एक एंट्री लॉस की थी एक प्रॉफिट की थी, फिर हम देखते हैं कि ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ है। तो बताओ टोटल लॉस कितना हुआ है? 28,800 का, ये तो बच्चे टोटल लॉस निकल के आ रहा है, ठीक है। ये टोटल क्या निकल के आ रहा है? लॉस निकल के आ रहा है। उसके बाद टोटल लॉस, ठीक है, ये है 42,500, ये टोटल प्रॉफिट। आप बताओ लॉस ज्यादा है या प्रॉफिट ज्यादा है? प्रॉफिट ज्यादा है, तो इसमें से इसको क्या करोगे? लेस करोगे, तो प्रॉफिट निकल के आएगा क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा है। तो प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन, प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन पे नेट प्रॉफिट निकला है, कैसे?
प्रॉफिट 42,500 था, इसमें से ये लॉस लेस कर दोगे 28,100, तो हमारे पास रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट निकल के आया बच्चे वो ये निकल के आया है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ऐसे लिख लेना 14,400 ये निकल के आया बच्चे। बच्चे आपने देखा मैंने वर्किंग नोट में उस दिन सेम सम को मैंने एंट्री से किया था, एक लॉस की एंट्री, रिवैल्यूएशन टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू प्रोविजन, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि हमें असेट्स और लायबिलिटीज के चेंजेस रिकॉर्ड करने थे। अब है डोंट वांट टू रिकॉर्ड, तो डोंट वांट टू रिकॉर्ड की केस में आपको ये जो रिवैल्यूएशन करना है वर्किंग नोट में करना है। तो बताओ रिवैल्यूएशन पे ओवरऑल प्रॉफिट कितना निकला, 14,400, और इसकी कंडीशन बताओ कौन सी थी, डोंट वांट टू रिकॉर्ड एट रिवाइज वैल्यू। दैट मीन्स ये जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकल के आया है, ये जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकल के आया है इसकी आपको बांटने की एंट्री नहीं करनी, ठीक है, इसकी आपको बांटने की एंट्री नहीं करनी, आपको इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। ये जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकल के आया है इसको आप बांटोगे नहीं पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में, क्योंकि कंडीशन है डोंट वांट टू रिकॉर्ड एट रिवाइज वैल्यू, ठीक है। तो ये जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकल के आया है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ये निकल के आया 14,400, लेकिन मुझे इसकी कौन सी एंट्री करनी है, एडजस्टमेंट, किसी एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, क्योंकि डोंट वांट टू रिकॉर्ड एट रिवाइज वैल्यू। दूसरी चीज क्वेश्चन में गिवन है जनरल रिजर्व 36,000, ये गिवन है, और आपको पता है जनरल रिजर्व की भी क्वेश्चन में कौन सी कंडीशन है, डोंट वांट टू रिकॉर्ड एट रिवाइज वैल्यू, मतलब इसकी भी आपको कौन सी एंट्री करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री करनी है इसकी भी। तो आपको जो टोटल एंट्री करनी है वो 50,400 से एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, ठीक है, 50,400 से एडजस्टमेंट एंट्री करनी है ये। और आपको पता है एडजस्टमेंट एंट्री मैंने कैसे बताया है, सेक्रीफाइस और गेन निकाल के, क्योंकि वो इसे बांटना नहीं चाहते, इसका भी प्रॉफिट नहीं बांटना चाहते, ये भी नहीं बांटना चाहते। तो आपको पता अगर आज नहीं बांटा तो रेशियो चेंज हो जाएगी, न्यू रेशियो आ जाएगी, इन फ्यूचर इन्हें अपना ये वाला पुराना प्रॉफिट न्यू में बांटना पड़ेगा, तो किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो किसी को क्या होगा, गेन। तो अगर इस कंडीशन में होते हैं तो हम कौन सी एंट्री करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। तो आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है 50,400 से एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा सेक्रीफाइस और गेन। निकालो एक बारी ओल्ड रेशियो ए बी सी, आपके पास ओल्ड रेशियो है बच्चे 3:3:2, न्यू रेशियो आपके पास है मेरे ख्याल से 4:3:2, 4:3:2, तो निकालो एक बारी 3/8, 4/9, 72, 27, इसे पहले से ज़्यादा मिल रहे हैं, दैट मीन्स 5/72 का सेक्रीफाइस आ रहा है। इसी तरह से आप किसका निकालोगे बच्चे, बी का निकालोगे, ठीक है, किसका निकालोगे, बी का, बी का देखना एक बारी, बी का ओल्ड है बच्चे 3/8, न्यू है 3/9, इसका 3/72 का, बच्चे इसका पहले से ज्यादा था तो इसका क्या निकल के आ रहा था, गेन, इसका सेक्रीफाइस निकल के आ रहा है। सी का एक बार और देखते हैं, सी का क्या निकल के आता है, सी, सी का ओल्ड है बच्चे 2/8, न्यू है 2/9, इसका 2/72 का सेक्रीफाइस निकल के आ रहा है, ठीक है। अब बताओ आपके पास जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है उसकी भी एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, जनरल रिजर्व है उसकी भी एडजस्टमेंट एंट्री करनी है,
एडजस्टमेंट एंट्री करते कैसे हैं इसके लिए आप जनरल उसके बाद जनरल का फॉर्मेट खींचोगे और ये एंट्री पास हो रही है चेंज की डेट पे, फर्स्ट अप्रैल उस डेट पे चेंज हो रही है, फर्स्ट अप्रैल 2019 पे। कैसे करते हैं एडजस्टमेंट एंट्री, कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, बी और सी, तो बी और सी को तो आप इन दोनों की अमाउंट दोगे, कैश नहीं देंगे उनके अकाउंट में डालेंगे, टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल, क्योंकि सेक्रीफाइजिंग पार्टनर को आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके उसे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा इन चीजों का जो आज आप नहीं बांध रहे, और इन्हें देगा कौन, ए, ए के अकाउंट से काट लोगे, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। आप बताओ ये जो एडजस्टमेंट एंट्री है ये मुझे दो चीजों की करनी है, तो बताना प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन और जनरल रिजर्व है। अब मेरे पास सेक्रीफाइसिंग है 3/72, पहले मैं 14,000 का 3/72 करके इसको दूँ बी को, फिर 36 का 3/72 करके दूँ, इससे अच्छा 50,400 का 3/72 करके दे दूँ, क्योंकि ये सेक्रीफाइस कर रहा है 3/72 का, 14,400 का 3/72 निकालूँ, फिर इसका 3/72 निकालूँ, फिर दो, तो आपको पता है एडजस्टमेंट एंट्री के केस में तो पता है मुझे इसकी भी एडजस्टमेंट एंट्री होगी, इसकी तो ए की एंट्री में काम चल जाएगा। देखो उसी क्वेश्चन में लिखा भी था पास सिंगल एंट्री, ठीक है, तो एडजस्टमेंट एंट्री के केस में जो भी चीज़ें होती हैं डोंट वांट वाली उनको ऐड करके एक सिंगल एंट्री में पास कर देते हैं, ठीक है। तो आप बताओ आपके पास एडजस्टमेंट एंट्री टोटल कितने से करनी है, 50,400, तो मुझे बताओ ए सी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 3/72, तो 3/72 के लिए इसको अमाउंट मिल जाएगी 50,400 का 3/72 करके, ठीक है, 3/72 ये आ रहा है बच्चे 2100 सी का, सॉरी ये किसका है, बी का बच्चे, बी का, ये बी का निकला, इसी तरह से किसका निकालोगे, सी का 50,400 का 2/72 ये निकल के आ रहा है 1400, ठीक है, तो बताओ बी को कितनी अमाउंट दोगे, 21, इसको कितनी दोगे, 14, तो टोटल इसको ये देगा कौन, ए 3500, ठीक है। आप देखो बी का सेक्रीफाइस 3/72 है, पहले मैं 14,400 का 3/72 निकाल के बी को दूँ, फिर 36 का 3/72 निकाल के दूँ, देना तो टोटल बी को ही है, तो 50,400 का 3/72 करके हमने बी को दे दिया, क्योंकि दोनों की ही कंडीशन कौन सी आ रही थी, एडजस्टमेंट एंट्री की, तो एडजस्टमेंट एंट्री के केस में एक सिंगल एंट्री ही हम पास कर देते हैं, ठीक है। ये एडजस्टमेंट एंट्री खाली रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट की नहीं है, दो चीज़ों की, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन और जनरल रिजर्व, तो आप इसकी नरेशन लिखोगे एडजस्टमेंट एंट्री फॉर जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि रेशियो चेंज होने के कारण जनरल रिजर्व और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट एंट्री की, तो देखना डोंट वांट टू रिकॉर्ड असेट्स लायबिलिटी के केस में आपको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ऐसे वर्किंग नोट में निकालना है और उसके बाद उसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देनी है। इस क्वेश्चन में उसने एक तो बच्चे बोला था कि एंट्री पास करो, फिर उसके बाद उसने एक लाइन बोली थी बैलेंस शीट प्रिपेयर करो, ठीक है, तो देखना एक बार ही बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। देखो पूरे समय मैंने वर्किंग नोट में किया, सिर्फ पूरे समय मैंने एक एंट्री किया और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, ना असेट्स को इंक्रीज किया ना असेट को डिक्रीज किया, जितना भी किया मैंने वर्किंग नोट में किया, क्योंकि वो बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करना चाहता चेंजेस, ठीक है। तो एक बार देखना ध्यान से बैलेंस शीट कैसे बनेगी इस केस में, बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर होगी। मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में कभी भी कहे प्रिपेयर बैलेंस शीट, रिवाइज बैलेंस शीट मतलब न्यू बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट हमेशा ओल्ड बैलेंस शीट को देखते हुए बनती है, ठीक है, तो देख लो एक बार कैसे बनेगी। जो आपके पास
पास क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है वो 31 मार्च की है, ये डिसीजन जिस दिन चेंज हुआ है उस डेट की है 1 अप्रैल। बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2019। हाँ अच्छा, बैलेंस शीट बनानी है हमेशा ओल्ड बैलेंस शीट को देखते हुए, किसी भी एक साइड से स्टार्ट कर लो, असेट साइड से, लायबिलिटी से। लेकिन बच्चे इस चैप्टर में बैलेंस शीट बनाने से पहले आप असेट्स और लायबिलिटीज़ वाली कंडीशन सोच लेना। जब मैंने 40 इलस्ट्रेशन कराई और उसमें बैलेंस शीट बनाई, उसके अंदर उसने कहा था कि दे वॉन्ट टू रिकॉर्ड असेट्स एंड लायबिलिटी एट रिवाइज वैल्यू। वो रिवाइज वैल्यू पे असेट्स और लायबिलिटी को बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, मतलब असेट जितने से बढ़ी हैं जितने से घटी हैं वो रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो उस दिन जब मैंने बैलेंस शीट बनाई थी, जितने से असेट बढ़ी थी मैंने बढ़ाया था, जितने से असेट डिक्रीज हुई थी मैंने घटाया था, लायबिलिटी भी बढ़ाई थी तो बढ़ाने को कहा था तो बढ़ाई थी। लेकिन आपको पता है आज कंडीशन थी पार्टनर्स डोंट वॉन्ट टू रिकॉर्ड एट रिवाइज वैल्यू, पार्टनर्स डोंट वॉन्ट टू रिकॉर्ड असेट्स एंड लायबिलिटीज एट रिवाइज वैल्यू, कि असेट्स और लायबिलिटीज की वो जो रिवाइज वैल्यू है मतलब जो न्यू वैल्यूज हैं उनको रिकॉर्ड नहीं करना चाहते। तो अब आपने जो चेंजेस आए हैं उनको क्या नहीं करना, रिकॉर्ड नहीं करना, एज इट इज असेट्स और लायबिलिटीज को ओल्ड वैल्यू पे उतारना है, क्योंकि कंडीशन यही है कि पार्टनर्स चेंजेस को रिकॉर्ड ही नहीं करना चाहते। रिवाइज वैल्यू होती है जो चेंज होके आती हैं, पार्टनर उसे रिकॉर्ड ही नहीं करना चाहते। तो नहीं करना चाहते तो आपने असेट्स और लायबिलिटीज पुरानी बैलेंस शीट से एज इट इज उतार लेनी है। पुरानी बैलेंस शीट में देखो आपके पास बैंक 37 गिवन है, उतार दिया। उसके बाद है बच्चे डेटर्स, उस दिन जब वो रिकॉर्ड करना चाहते थे तो मैंने इसमें से प्रोविजन लेस करके दिखाया था, अब वो चेंजेस रिकॉर्ड ही नहीं करना चाहते तो रिकॉर्ड नहीं करने, ठीक है। स्टॉक देखो सारा मैं एज इट इज उतार रही हूँ पुराने वाला, उस दिन मैंने चेंज करके किया था इससे लास्ट वाली इलस्ट्रेशन में, ठीक है। मशीनरी 1,59,000 एज इट इज, जबकि ये 10% से रिड्यूस हो चुकी है, लेकिन कह रहा है रिकॉर्ड ही नहीं करना चाहते चेंजेस। बिल्डिंग आपको पता है उस दिन 40 से बढ़ी थी, मैंने 240 दिखाई थी, लेकिन अब ये रिवाइज वैल्यू मतलब न्यू वैल्यूज को रिकॉर्ड ही नहीं करना चाहते तो एज इट इज 2 लाख आएगी। ये हो गया असेट साइड। अब बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में देखो क्रेडिटर्स गिवन है, ठीक है। क्या गिवन है, क्रेडिटर्स आपके पास गिवन है बच्चे 24, उस दिन 2500 से मैंने कम करके दिखाया था। तो आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग असेट्स एंड लायबिलिटीज को हमने रिवाइज वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब न्यू वैल्यूज पे रिकॉर्ड नहीं किया, जैसे पुरानी थी एज इट इज रिकॉर्ड किया, और इस केस में एडजस्टमेंट एंट्री होती है। उसके बाद बैलेंस शीट में बच्चे एक और चीज़ दी हुई है जनरल रिजर्व भी लिखने से पहले सोचो वांट टू डिस्ट्रीब्यूट एंड डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। और आपको पता है जनरल रिजर्व की भी कौन सी कंडीशन थी, डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, वो उसे बांटना नहीं चाहते, तो आपने उसके लिए भी एडजस्टमेंट एंट्री की है। तो बताओ कि आपने एंट्री में जनरल रिजर्व आपके पास बैलेंस शीट में क्रेडिट था, ख़त्म करने के लिए डेबिट किया नहीं, ख़त्म करने के लिए डेबिट कब करते हैं जब आप उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो ये डिस्ट्रीब्यूट तो हुआ ही नहीं है, तो इसका भी बैलेंस एज इट इज पड़ा हुआ है जनरल रिजर्व का 36,000। सबसे लास्ट में गिवन है बच्चे कैपिटल का बैलेंस ए बी सी। तो आपको पता है इस पूरे सम में देखो मैंने ए की एंट्री की है जिसके अंदर सिर्फ मैंने कैपिटल का यूज किया। आप इस एंट्री को देख के बता सकते हो किसकी कैपिटल इंक्रीज हुई है किसकी डिक्रीज। आपको पता है कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस इंक्रीज पे क्रेडिट, तो जो क्रेडिट हो रहा है उसकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज पे डेबिट, ए की डिक्रीज हो रही है। तो पूरे सम में मैंने जो रिकॉर्ड किया है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया है, वो कैपिटल से किया है, कैपिटल को इंक्रीज किया है और कैपिटल को डिक्रीज किया है। तो पूरे सम में चेंज सिर्फ कैपिटल में आएगा, असेट्स और लायबिलिटीज के चेंजेस को हमने रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, देखो ओल्ड बैलेंस शीट में 31 मार्च को कैपिटल 2 लाख है, बताओ इसकी ए की कैपिटल कितने से डिक्रीज हुई है, 35
फर्स्ट अप्रैल को मैंने सिर्फ एक ही दिन एंट्री की है, तो जो ए कैपिटल के डिग्रीज को दिखा रहा है, तो आपके पास फर्स्ट अप्रैल को कैपिटल बची हुई है 1,96,500। ओल्ड बैलेंस शीट में आपके पास जो बुक में क्वेश्चन है उस ओल्ड बैलेंस शीट में देखो बी की कैपिटल कितनी है, ये तो ए की थी, बी की 150। बताओ बी की कैपिटल डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज? इंक्रीज, क्योंकि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस इंक्रीज पे क्रेडिट, ये 21 से इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज करो इसकी कैपिटल को 152,100। नाउ सी की कैपिटल, सी की कैपिटल बताओ बैलेंस शीट में ओल्ड कितनी है, 150 की है। सी की कैपिटल बच्चे इंक्रीज हो रही है 1400 से, तो ये आपके पास आई 1,51,400। ठीक है, 1,51,400। तो सिर्फ चेंज आया बच्चे कैपिटल में आया, और किसी चीज़ में क्या नहीं आया, चेंज नहीं आया, किसी भी चेंज में चेंज नहीं आया बच्चे। ठीक है, तो आपके पास 1,96,500 फर्स्ट अप्रैल की ए की कैपिटल है, 1,52,100 बी की कैपिटल है, सी की 1,51,400, टोटल है ये 5,00,000। ठीक है, उसके बाद बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल कर देना, बैलेंस शीट क्या कर जाएगी, मैच। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में बच्चे गुडविल उसकी हमेशा ही एडजस्टमेंट एंट्री, जनरल रिजर्व की कंडीशन पढ़ा करो, वांट टू डिस्ट्रीब्यूट या डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन की भी कंडीशन पढ़ा करो, वांट टू रिकॉर्ड एट रिवाइज वैल्यू मतलब वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, डोंट वांट टू रिकॉर्ड एट रिवाइज वैल्यू दैट मीन्स डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में क्या आता है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताती हूँ।